हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में जो है, जो भी स्टूडेंट जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जिन्होंने भी जो है जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो आपका बुक का कोड है BAHIN120, तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लेके आ रखा हूँ। तो सबसे पहले जो बुक का नाम है आपका, वो है भारतीय इतिहास में संकल्पनाएँ, विचार तथा शब्दावली। तो दोस्तों, ये आपका जो 2024 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो है आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दो कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स का है, और आपका जो ये टाइमिंग होगा एग्ज़ाम का इस सब्जेक्ट में, वो होगा 2 घंटे का। और यहाँ पे 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए और बी। यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को जो है 2 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा। और यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन होगा आप लोगों का, वो होगा 19 मार्क्स का। तो यानी जो हमारा सेक्शन ए है, वो होगा हमारा 38 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आप लोगों को जो है 8 क्वेश्चन दिखाई देने को मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ जो है 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा। और यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन होगा, वो होगा आप लोगों का 8 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो आप लोगों को 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और 8 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के सामने, तो ये भी क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हुए हैं। तो आप लोगों को जो है आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के भी आंसर आप कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं कि आप लोग जो है कैसे जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देख सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, वो आप लोगों को वहाँ पर बताया हुआ है। तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके जो है आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देख सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर आप लोग जो है उन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, तो इजीली आप लोग जो हैं अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्जाम में, 2 या 3 क्वेश्चन। अगर 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट होते हैं, तो ईजिली आप लोग जो है 30+ मार्क्स लेके आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी आप लोगों को प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप इस पर भी क्लिक करके जो है सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।